अगर आप देखेंगे जितने भू माफिया थे जिन लोगों ने गरीबों को ठगा है, इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। मान्य सदस्य काफी उम्रदराज हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारी भी रहे हैं और लखनऊ के आपातकाल में जिन लोगों ने आपको जेल भेजा था, आज उन्हीं के साथ आप बैठ करके दावतें उड़ा रहे हैं। अरे कुछ तो सोचिए कि क्या सब एक नौटंकी बचा रखी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि आप लखनऊ के इतिहास को जानते होंगे। लखनऊ में गोमती और कुकरेल नदी का संगम भी था और ज्यादा नहीं, लगता है कि छात्र नेता के रूप में काम कम और दूसरे ही किसी अन्य कार्य में आप ज्यादा लिप्त रहे होंगे, इसीलिए आपने कभी इधर उधर ये चीजें देखी नहीं कि अकबर नगर जिसको आप कह रहे हैं, ये अकबर नगर 1984 के बाद से ही बसा है। इसमें ज्यादातर अवैध निर्माण था और यही कारण था कि हाई कोर्ट में भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं टिक नहीं पाया। जो लोग जिन्हें गलत तरीके से लोगों ने फर्जी कागजात दिखा करके रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को हमने रिहैबिलिटेट किया है। अब अकबर नगर कोई नगर नहीं है, अब वो सौमित्र वन हो गया है। लखनऊ को उसकी पहचान दिलाने के लिए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर, लक्ष्मण जी के नाम पर उसको सौमित्र वन बना दिया गया है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि इस उम्र में लखनऊ के लोगों ने आपको विधायक बनाया है और लखनऊ को हम एक नाइट सफारी दे रहे हैं इसी रूट पर आगे कुकरेल में जाकर के। लाभ आप कमाएंगे, पैसा सरकार दे रही है। और इतनी अच्छी योजना मिलने के बाद सरकार को एक बार धन्यवाद बोल देते। पंथनगर और इंद्रप्रस्थ नगर की कार्रवाई को हम लोगों ने स्थगित करवाया है और हम लोगों ने कहा है कि एक भी व्यक्ति जिसने रजिस्ट्री की है लैंड और उसके पास जायज कागजात हैं, उसको हम वहां पे कंपनसेशन देंगे और नदी को पुनर्जीवित करके। मैं तो आपसे कहूंगा कि लखनऊ के लोगों ने वोट दिया है आपको, आप एक बार थोड़ा अब जाकर के देखिए कुकरेल नदी थी या नाला था। आपको नदी नजर आएगी आज के दिन पे, नाला नजर नहीं आएगा। और ये चीजें, नदी पुनर्जीवन का जो एक अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, हम बोलते तो हैं जल जल ही जीवन है, क्या इनको तबाह करके हम जीवन की कल्पना कर पाते पाएंगे? गोमती नदी को क्या बना दिया आप लोगों ने लखनऊ में? एक तरफ गोमा कहते हो उसको और दूसरी तरफ गंदा नाला में बदल दिया पूरी गोमती नदी को। उसके उस नदी की व्यवस्थापन की कार्रवाई के लिए किए जा रहे प्रयास की, जहां आपको तो लखनऊ के एक माननीय विधायक के रूप में आपको सरकार की सराहना करनी चाहिए थी, धन्यवाद देना चाहिए था, आप सरकार के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। और दूसरा, वहां पर हम लोगों ने कहा है कि भाई इंद्रप्रस्थ नगर और पंथ नगर में जिन लोगों ने लाल चिन्ह लगाए हैं, किस नियत से लगाए, पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने तलब की है। और अगर गलत नियत से किसी ने किया होगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी, लेकिन अगर सावधानी बस केवल चिन्हित करने के लिए किए हैं कि कुकरेल नदी के पुनर्व्यवस्थापन के लिए, तो मुझे लगता है कि वह लोगों को सावधान करने के लिए है। लेकिन एक बात और है, आपको, आप लोग थोड़ा अपने इधर उधर भी तांक झांक किया करें, अपने अगल बगल चलने वाले लोगों की। अगर आप देखेंगे जितने भू माफिया थे जिन लोगों ने गरीबों को ठगा है, इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे।